नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रैंक ट्वाइस MS में। और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ BSNL में BRS से जुड़ी हुई लेटेस्ट न्यूज़। एवं साथ ही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों, BRS स्कीम इज ए मिस एडवेंचर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो जो बेनिफिट्स मिलने वाले हैं BRS स्कीम और उसके ऊपर, इसके अतिरिक्त जितने भी BRS स्कीम पर जो बेनिफिट्स हैं उनसे रिलेटेड एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है। और चूंकि एक बार जो भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है वही सभी कंपनियों पर एवं सभी जगह पर जो भी BRS रिलेटेड केस आएगा उसमें यही कानून फॉलो होगा। तो इसके रिलेटेड एक केस आया था तो उसका जजमेंट भी आज हम यहाँ पर देखेंगे, जिससे कि आपको पता चलेगा कि BRS से रिलेटेड क्या इस समय कानून है और BRS में जो 125% फ़ायदा मिलने वाला है तो क्या वास्तव में वो मिलेगा या फिर एक तरह से ये कोई धोखाधड़ी तो नहीं हो जाएगी। तो उससे रिलेटेड भी हम इस जजमेंट को देखेंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जैसा अगर आपने PRS ले लिया है और आप पेंशन ले के फॉर्म भरने की तैयारी में हैं और आपको पेंशन का फॉर्म चाहिए तो वो उसके बारे में मैं आपको यहाँ पर डिटेल जानकारी देने वाला हूँ, उसका लिंक प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो TELEGRAM, तो टेलीग्राम नाम से एक एप्लीकेशन होगी गूगल प्ले स्टोर पर। तो वहाँ से आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने रहना है और वहाँ पर जाकर के अपना ये रैंक टू MS ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। और इसको ज्वाइन करने के बाद आपको यहाँ पर अपने BSNL से रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ हैं, जो लेटेस्ट वीडियोज़ आते हैं वो भी हम यहाँ पर अपडेट कर देते हैं। इसके अलावा जैसे कि पेंशन फॉर्म आपको चाहिए तो वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, जिसे आप ओपन करके और डिटेल में उसके बारे में देख सकते हो पेंशन फॉर्म को ओपन करके। और साथ ही ये BRS डू एंड डोंट इन इंग्लिश और गुजराती दोनों भाषाओं में आपको मिल जाएगा BRS से रिलेटेड क्या क्या जानकारी है, वो भी आपको यहाँ पर कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। तो इस तरह से आप यहाँ पर डिटेल में इसके बारे में जान सकते हो। तो ये एक्चुअली ये PDF फाइल है और PDF को जो आता है PDF फाइल को ओपन करने के लिए एप्लीकेशन, वो इसमें अवेलेबल नहीं है मोबाइल में, इस वजह से वो ओपन नहीं हो पा रहा है। तो अब हम देखते हैं न्यूज। तो दोस्तों, ये है IFCI लिमिटेड, इसके ऊपर ये सिग्निफिकेंट जजमेंट आया था 25 सितंबर 2019 को, जिसे इसमें बताया गया है कि जो अपना ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसमें उसने बताया कि जब उनके पास केस गया था BRS स्कीम से रिलेटेड, तब उन्होंने सीधे सीधे शब्दों में कहा था कि BRS स्कीम है, जो BRS पैकेज है ये खुद के द्वारा लिया जाता है, वॉलेंट्री तौर पर लिया जाता है। तो इस वजह से अगर एम्प्लॉई रिटायर्ड होता है वॉलेंट्री बेसिस पर तो यह कोई ऐसी स्कीम नहीं है जिस पर कि वो क्लेम कर सके कि उसको ये बेनिफिट नहीं मिला है या वो बेनिफिट नहीं मिला है, इस तरह से वो कहीं भी केस नहीं कर सकता है इससे रिलेटेड। BRS स्कीम से रिलेटेड अगर आप कहीं भी केस करते हो तो आपको एक सिंगल जज का जो कोर्ट है, हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट, वो आपका केस रिजेक्ट कर सकता है इस बेसिस पर, क्योंकि BRS होता है वो वॉलेंट्री बेसिस पर होता है और उस पर कोई भी आप बेनिफिट स्पेशली तौर पर नहीं मांग सकते। जैसे कि कल के तौर पर अगर थर्ड PRC BSNL में लग जाता है तो आपको अगर पेंशन में या फिर आपको जो अभी सैलरी का जो BRS में पैसा मिलने वाला है उसको आप थर्ड PRC के बेसिस पर नहीं मांग सकते हैं, ना ही आप पेंशन में इंक्रीमेंट मांग सकते हैं या फिर भविष्य में लगने वाले इंक्रीमेंट के ऊपर भी आप कोई केस दर्ज नहीं करा सकते हैं कि हमें इंक्रीमेंट चाहिए। जैसे कि यहाँ सीधे तौर पर लिखा हुआ है कि जो IFCI लिमिटेड का जो कर्मचारी था उसने सन 2008 में ऐसा क्लेम किया था कि हैड क्लेम्ड रिवीजन ऑफ देयर पेंशन बाय रेफरिंग द पे स्केल रिवीजन इम्प्लीमेंटेड बाय IFCI। तो उसने इस तरह से केस किया था कि IFCI जो कंपनी थी उसके अंदर अगर पे स्केल रिवीजन हुआ था, थर्ड PRC अगर उसमें लगा था, तो उसने कहा कि मेरे पेंशन के अंदर भी यह लगना चाहिए थर्ड PRC। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया तो उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने कहा कि BRS पैकेज होता है ये खुद की मर्ज़ी से लिया जाता है, BRS पैकेज इज़ बाई इट्सेल्फ
एंड एनी सब्सिक्वेंट क्लेम कैन नॉट बी एंटरटेन्ड। तो इसके ऊपर अगर तुम कोई भी क्लेम करते हो बाद में तो उसको बिल्कुल भी कोर्ट इसमें दाखिला नहीं देगा और उसको पूर्णतः नज़रअंदाज कर दिया जाएगा। तो इसमें टोटली यही जजमेंट था जिसमें यह भी बताया गया था कि द जजमेंट कुड प्रूव टू बी ए लैंडमार्क एज इट हैज डिस्कस्ड वेरियस एस्पेक्ट अर्लियर कोर्ट जजमेंट्स। तो ये जो जजमेंट आया है ये लैंडमार्क के रूप में काम में आएगा और भविष्य में जब कभी भी कोई BRS स्कीम से रिलेटेड या इंटरनल पॉलिसी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी ऑर्डर निकलेगा तो उसमें इसी केस के बेसिस पर उसका जजमेंट दिया जाएगा। तो ये तो था दोस्तों ऑफिशियल IFCI लिमिटेड का जो ऑर्डर मिला था उसके बेसिस पर न्यूज। और BRS से रिलेटेड नेक्स्ट न्यूज़ में है दोस्तों कि BRS से रिलेटेड साफ साफ ऑर्डर आ चुके हैं कि अगर आपको कोई भी डाउट है और आपको अगर BRS लेना है तो आप अपने अधिकारियों से खुले तौर पर जाकर के इसके बारे में जानकारी ले सकते हो। और इसके लिए उन्होंने हेल्प डेस्क भी लगाई गई है जिसमें आप जाकर के पूछ सकते हो कि BRS लेने पर क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है। तो ये पूर्णतः ऐच्छिक है, अगर आप चाहते हैं BRS तभी आपको लेना है, अगर आपको ऊपर को आपके ऊपर कोई भी इसको लेकर के दबाव नहीं बना सकता है। तो दोस्तों ये तो थी इससे रिलेटेड जानकारी। दूसरा, अगर आप जो टेलीग्राम ग्रुप आपको बताया है उसे ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको तुरंत के तुरंत उस पर इससे रिलेटेड जानकारी मिल जाएगी। कोई भी आपको पेंशन का फॉर्म चाहिए या भविष्य में कोई भी आपको इस तरह का डॉक्यूमेंट चाहिए तो आप कमेंट करके वो डॉक्यूमेंट हमसे मांग सकते हो, अगर हमारे पास अवेलेबल होगा तो हम आपको ज़रूर प्रोवाइड करा देंगे। अलावा फाइनेंशियल एक्सप्रेस की लेटेस्ट न्यूज़ के अनुसार BSNL MTNL का जो BRS है वो 80,000 पहुंच चुका है। जैसा कि आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि BRS की जो शनिवार को इवनिंग में 5 बजे हमने बताया था कि 80,801 तक पहुँच चुका था और इस समय लगभग ये 82,83,000 तक पहुंच चुका होगा और BSNL और MTNL का दोनों का मिला करके 1,00,000 पहुंच चुका है BRS का डाटा लगभग। और इस तरह से इसमें बताया गया है कि ऐसा प्रतीत होता है क्योंकि न्यूज़पेपर के पास मॉर्निंग की न्यूज़ है और आज के इन्होंने काउंट नहीं किए हैं तो इन्होंने अनुमान जताया है कि लगभग 94,000 तक ये पहुँच जाएगा। और जैसा कि आपको हम बता दें कि इससे BSNL को लगभग 7500 करोड़ रुपए का सेविंग होगी और BSNL के फायदे माने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और हो सकता है कि भविष्य में थर्ड PRC भी BSNL के अंदर लागू हो जाए जल्दी ही। और जैसा कि इसमें बताया जा रहा है कि लगभग 46,000 एग्जीक्यूटिव्स हैं और जो कि JTO है एवं नॉन एग्जीक्यूटिव स्टाफ में JEE है, अकाउंटेंट हैं, टेक्नीशियन है, ये सब को मिला करके टोटल 1,18,000 कर्मचारी अभी बाकी हैं BRS लेने के अलावा, जितने भी बाकी कर्मचारी हैं उनके बारे में बताया गया है ये। और इस तरह से इसमें BRS स्कीम में अगर 50 साल से ऊपर को सभी को शामिल कर लिया गया है और ट्रांसफ़र के लिए भी इन्होंने बताया है कि ट्रांसफ़र का ऑर्डर अब ऑल इंडिया कैडर पर कहीं भी आपका ट्रांसफ़र हो सकता है और जो लाइन मैन स्टाफ है उसका सर्किल बेसिस में ही रहेगा, मीन्स उनको सिर्फ गुजरात स्टेट का है तो गुजरात गुजरात में, राजस्थान का है तो राजस्थान राजस्थान में, कहीं भी ट्रांसफ़र किसी भी लाइनमैन का हो सकता है, उत्तर प्रदेश का है तो उत्तर प्रदेश में, कहीं भी पूरे सर्किल में ट्रांसफ़र हो सकता है। एवं इसके अलावा साथ ही दोस्तों हम आपको बता दें कि BSNL में WTR, OFC एवं CFA का आउटडोर का वर्क और जितना भी लाइनमैन स्टाफ का वर्क है कम्प्लीटली उसको जो ठेके पर देने वाले हैं यानी कि कॉन्ट्रैक्ट पर बेसिस पर उसको देने वाले हैं और जितना भी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है उनकी भर्ती नेक्स्ट मंथ जनवरी मंथ लगभग 1 जनवरी से उसकी शुरुआत कर दी जाएगी। 3 दिसंबर से और 1 जनवरी के बीच में ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद BSNL में पूर्णतः काम जो होगा वो ठेकेदार के द्वारा और कॉन्ट्रैक्टर बेसिस पर किया जाएगा। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कॉन्ट्रैक्टर बेसिस पर किसी तरह की जानकारी लेनी है तो उसके लिए भी आपको BSNL में जाकर के बात कर लेनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अगर BRS से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ में बस इतना ही है कि अगर आपको पेंशन चाहिए तो जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल कर दें ताकि आपको बाद में पेंशन डिले ना हो। और BRS से रिलेटेड अभी भी
BRS का ऑप्शन ओपन है। अगर आपने अभी तक BRS के लिए अप्लाई नहीं किया है तो आप BRS के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि BRS में एक लेटर मैंने भी इस तरह का देखा था जिसमें इस तरह बताया हुआ था कि BRS में लोअर स्टाफ को फ़ायदा काफ़ी कम है, इस तरह का बताया गया था। तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे कि उसमें क्या फ़ायदा और कितना नुकसान है। चूँकि जैसे कि मैंने देखा तो उसमें लगभग 2 से 3 हज़ार रुपये तक का पर मंथ का शायद पेंशन में नुकसान दिखाया हुआ है। तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल रैंक टू आई एस एम एस को।